जनपद पंचायत मोहखेड़ में पदस्थ बाबू हरीश घाघरे, जो हमेशा विवादास्पद की सुर्खियों में चर्चित है, इनसे जनप्रतिनिधि सहित जनपद के आला अधिकारी कर्मचारी बहुत परेशान है। इस सच्चाई जनपद सीईओ भागचंद टिमहरिया भी वाकिफ है, किंतु बाबू के सामने वह बेबस बने हुए हैं, जो जानकर भी कोई भी उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें अब सीईओ के खिलाफ भी उंगलियां उठने लगी है। बाबू हरीश घाघरे की लापरवाही से 2 माह के एडीओ, पीसीओ सचिव और रोजगार सहायकों को वेतन ना डाले जाने के खिलाफ मोर्चा खुलते हुए एसडीएम द्वारा समीक्षा ली गई। बैठक का सभी उनके आने से पूर्व बहिष्कार करते जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बाबू की मनमानी पर सीधा आरोप लगाया है। दरअसल देखा जाए तो विगत कुछ सालों जनप्रतिनिधि राशि सहित अन्य विकास कार्य राशि फंड में लापरवाही बरतने पर जनपद की सामान्य सभा में बाबू को हटाने मुद्दा उठाया गया था। जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों ने उन पर यह भी आरोप लगाया है कि वह बिना लेन देन के कोई भी काम नहीं करते हैं। बहरहाल आखिर जनपद सीईओ ऐसे लापरवाह बाबू, जो जनपद को बदनाम करने में तुले हैं, ऐसे बाबू पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? ज्ञापन सौंपा गया आपको? आज हम लोगों ने ज्ञापन इस संबंध सौंपा गया है कि हमारे जनपद पंचायत मोखड़ में 2 महीने से सचिव का वेतन नहीं हुआ और यहाँ पर बाबू राज चल रहा है। बाबू लोग यहाँ पर काम सुनते नहीं हैं, सीईओ की बात भी नहीं सुनते हैं, इसलिए आज हमने बैठक का बहिष्कार किया और जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक हम बैठक का बहिष्कार करते रहेंगे। और हमारे साथ में एडीओ, पीसीओ और सचिव और रोजगार सहायक सभी लोग संयुक्त रूप से आज हम लोगों ने जनपद पंचायत मोखर सीईओ को ज्ञापन दिया। आज की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग मनरेगा से नियुक्त हैं, लेकिन हमारे से जो है अदर योजनाओं से काम लिया जा रहा है, इससे हम लोग परेशान हैं। यदि हम लोग मनरेगा काम नहीं करते, लेबर नहीं लगाते, तो हम पे प्रेशर बनाया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि अदर जैसे अभी किसान केसीसी के फार्म दिए हैं उसको भरने के लिए, तो हम लोग अपने मूल काम से छूट जाते हैं और अदर काम में हमको प्रेशर दे कराया जाता है। इसलिए हम लोग ने आज एक दिन का दिए हैं आवेदन कि भाई जनपद पंचायत मोखड़ में सीईओ के निर्देश देने के बावजूद भी यहाँ के लेखकों द्वारा किसी भी कर्मचारियों का या किसी भी वेतन भुगतान नहीं किया गया था। सबके 2-2 माह के वेतन शेष पड़े हुए हैं। बार बार कहने के बाद भी इन लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करती है।